एक बहुत बड़ी खबर अभी सामने आई है निकल के कि एक इंसान है जिनको सुशांत सिंह के जाने का बहुत बहुत दुख लगा, और वो इंसान इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने दिल बेचारा रिलीज़ कर दी। अब दिल बेचारा रिलीज़ की उसके बाद बहुत सुशांत के नाम पे दुख जताते हुए बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। ये भी बोला कि मुझे अब भाई भाई कोई नहीं बोलेगा, महीने में कोई मुझे एक बार कॉल करता था और भाई भाई बोलता था, अब वो सुनने को मुझे नहीं मिलेगा, मुझे बहुत दुख लगा। ये खबर सामने आ रही है कि मुकेश छाबड़ा जो दिल बेचारा के डायरेक्टर हैं उनका नाम अब एनसीबी की लिस्ट में आ चुका है। अब आप इन लोगों की नौटंकी देखिए, जिस इंसान ने 2 साल से फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी उस इंसान ने अचानक से फिल्म रिलीज़ कर दी सुशांत के मर्डर के बाद, या बहुत दुख भी लगा होगा, चलिए वो भी मान लेते हैं, लेकिन अब इनका नाम एनसीबी की लिस्ट में आ चुका है। अब देखना ये है कि इनका और जो रिया के दोस्त हैं जो ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व हैं उसके साथ इन लोगों का कितना बड़ा कनेक्शन है, वो देखने वाला है अब यहाँ पे। अब आप देखिए, अभी तो एक ही बंदा आया है सामने जो डायरेक्टर हैं, अभी तो जो 25 नाम हैं बॉलीवुड के वो भी सामने आएंगे, और अभी 3 नाम अलग से फ़िलहाल वो भी सामने आ चुके हैं, सारा अली खान, दूसरा रकुलप्रीत, ये दोनों एक्ट्रेस हैं, तीसरा एक फैशन डिज़ाइनर है उनका नाम है सिमोन खम्बते, वो एक फैशन डिज़ाइनर है। अब इन तीनों का नाम जो है सामने आ गया, अब धीरे धीरे बॉलीवुड इसकी जकड़ में आएगा और आना भी चाहिए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि क्या बड़ा खुलासा फार्म हाउस के मैनेजर ने किया है। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।